रिक्वेस्ट होंगे अपने एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन जो बचे हुए हैं सोल्व होंगे। देखो एक क्वेश्चन है 7 का 1, साइन 70 प्लस थीटा माइनस कॉस 20 माइनस थीटा को 0 लाना है। देखिए ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, आप ऐड करके देख लो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। कैसे, 70 प्लस थीटा प्लस 20 माइनस थीटा, देख रहे हो थीटा कैंसिल हो जाएगा, 70 और 20 कितना 90 डिग्री आया, मीन्स कि ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। और इसको जीरो लाना है तो दोनों में से आप एक को चेंज करोगे, फर्स्ट क्यूब राइट एल एच एस व्हाट साइन 70 प्लस थीटा माइनस कॉस 20 माइनस थीटा। देखो कोई एक बदलो, चाहे इसको या इसको, मान लो इसी को बदलना है तो साइन, ध्यान से देखना साइन 90 माइनस क्या करेंगे कि 70 प्लस थीटा आएगा। तो देख रहे हो कि दोनों जब कॉम्प्लीमेंट्री है, मीन्स कि 90 में से अगर इसको माइनस करें तो ये आएगा और इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा। जैसे इसको बदलना है तो इसको माइनस करेंगे, देख लो 90 में से इसको अगर माइनस करें, 90 माइनस कितना को, 20 माइनस थीटा को माइनस करना है, तो ये 20 माइनस थीटा होगा। देखो 90 माइनस 20 और माइनस माइनस प्लस थीटा क्या आएगा, 70 प्लस थीटा आ रहा है ना, तो आप साइन 90 में से इसको माइनस करोगे आ जाएगा। कैसे करोगे, 90 डिग्री माइनस दिस वैल्यू, तो इसके लिए लिखेंगे 20 माइनस थीटा और यहां पर मिडिल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट यूज कर दो, माइनस क्या कॉस 20 माइनस थीटा। ओके अब देखो साइन 90 माइनस ये पूरा थीटा के रूप में काम करेगा, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा के जगह पर 20 माइनस थीटा होगा, अब माइनस ये वाला क्या कॉस 20 माइनस थीटा, 20 माइनस थीटा, देखो दोनों सेम वैल्यू है, इससे कैंसिल हो जाएगा पूरा, कितना आएगा 0, हमारा RHS आ गया। 7 का 5th नंबर दिख रहा है क्वेश्चन आपको, इस सारे को प्रूव करके लाना है 1। स्टार्ट करो LHS हमारा यही है, इसको लिखने से बचते हैं, टाइम बचेगा मेरा भी आपका भी। देखो आपको मालूम है कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, 50 प्लस थीटा और 40 माइनस थीटा, देखो ऐड करोगे जब इस वैल्यू और इस वैल्यू को, प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल होगा, 50 प्लस 40 90, जैसे पिछला को किए वैसे ही करेंगे, इसको भी इसको या इसको किसी एक को बदलो, मान लो इसी को चेंज कर रहे हो तो साइन 90 माइनस क्या करोगे, इसको 90 माइनस 40 माइनस थीटा, यहां कर्ली ब्रैकेट होगा क्योंकि एक ब्रैकेट ऑलरेडी हमारे पास है, माइनस कॉस 40 माइनस थीटा, ठीक है। फिर इधर देखो 189 का कॉम्प्लीमेंट्री है और 10 किसका, 80 का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आप इधर से इन दोनों को चेंज कर दो, उसको छोड़ दो, प्लस है प्लस साइन दीजिए, टेन 1 के बदले में आप टेन 90 माइनस 89 लिख सकते हो, फिर प्लस इंटू टेन 10 के बदले में आप लिखोगे क्या, टेन 10 के बदले में टेन 90 माइनस 80 डिग्री। ओके फिर आप लिखो टेन 89 और टेन 80 है, एज यूजुअल छोड़ दो उसको, टेन 80 डिग्री और टेन 89 डिग्री हो गया। जब भी पेयर में हो तो एक को बदलना है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा आएगा, यह आएगा कॉस थीटा के जगह पर 40 माइनस थीटा, ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यह एज यूजुअल रहेगा माइनस कॉस
40 माइनस थीटा देख लो दोनों कैंसिल हो जाएगा प्लस 10 90 माइनस थीटा का कॉट थीटा तो कॉट 89 डिग्री फिर 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा तो ये आया कॉट हमारा कितना 80 डिग्री फिर आएगा यहाँ पर 10 80 डिग्री और 10 89 डिग्री ओके। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा खत्म तो जीरो बचा प्लस अब देखिए आपको मालूम है टेन थीटा इंटू कोट थीटा वन या इसको रेसिप्रोकल कर दो कोट 89 के बदले बगल में लिखिए टेन 89 एक साथ कर दो और कोट 80 इंटू टेन 80 सारे वैल्यू डिग्री में डिग्री डाल देना खुद से आप देखो 10 इंटू कॉट वन या जीरो खत्म कुछ नहीं या लिखना लिख दो जीरो प्लस इसका वैल्यू वन इंटू इसका वैल्यू वन क्या आया जीरो प्लस वन इक्वल टू वन वन ही हमारा आर एच एस है ना इक्वल टू आर एच एस प्रूफ लिखा मैंने 8 का फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 9 8 और 9 दोनों ही बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है खासकर 9 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओके। देखो इसका इंस्ट्रक्शन है कि टी रेशियो चाहे जो भी रहे एंगल को आप 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच का लाइए यही इंस्ट्रक्शन है कि इसमें जो एंगल्स गिवन है उसको कन्वर्ट करिए 0 से 45 के डिग्री के बीच का तो हमारा टी रेशियो चाहे जो भी रहे देखो एंगल वो ऐसा होना चाहिए जैसे आप कर दो साइन 67 को 90 माइनस क्या करोगे कि 67 आएगा 90 माइनस 23 करोगे 90 माइनस 23 तो देखो 67 आएगा 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री ओके प्लस कॉस 75 तो कॉस 75 के बदले में क्या लिखोगे 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री यही होगा ना। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा तो यह आया कॉस थीटा यानी कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा साइन 15 डिग्री यही ना है थीटा थीटा का वैल्यू हमारा 0 से 45 के बीच का आ गया देख लो ये 23 है और ये 15 है दोनों का वैल्यू 0 से 45 के बीच का है इसका डिमांड है चाहे टी रेशियो हमारा जो भी रहे एंगल इसके बीच का होना चाहिए समझे। कोई भी होगा क्वेश्चन अगर ऐसा इंस्ट्रक्शन होगा आप इसी तरह से बनाना। अब इसको देखो इसमें है कि ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी के एंगल इंटरनल एंगल्स है और ये वैल्यू प्रूव करना है टेन सी प्लस ए बाई टू इक्वल टू कॉट बी बाई टू चाहे ऐसा भी रहता है साइन सी प्लस ए बाई टू तो साइन का क्या होता है कॉस होता है टेन का कॉट होगा अगर यहाँ सेक होगा तो ये कॉसेक होगा लेकिन सारा क्वेश्चन एक जैसा ही बनेगा देखो एकदम आराम से देखना कैसे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 180 डिग्री। अब कहोगे कि यहां पर एंगल ऐसे क्यों नहीं दिए नहीं देना है क्योंकि क्लियर दिया है कि ए बी सी क्या है एंगल्स है मींस कि उसके इंटरनल एंगल्स जैसे ट्रायंगल है ना तो यहाँ पर ये एंगल ये है हमारा इसका नाम दिया हुआ है ए बी और सी ऐसे मान लो तो इसलिए एंगल का सिंबल यहाँ पर देना नहीं है तो ए बी सी का सम 180 देखो सी प्लस ए इधर रखना है तो इधर ही रखिए आप तो ए प्लस सी 180 माइनस बी इसको ए प्लस सी चाहे सी प्लस ए कुछ भी लिखो आप
अब देखो दोनों साइड क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो तो a प्लस सी बाई टू इक्वल टू 180 माइनस बी बाई टू लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई टू। दोनों साइड 2 से डिवाइड करने पर देखो ये इसको अलग कर दो, ये 180 बाई टू अब माइनस बी बाई टू आएगा, अलग अलग कर दिए इसको। अब देखिए 180 बाई टू तो यहाँ क्या आएगा 90 डिग्री आ जाएगा, तो इसके बदले में आप लिखोगे यानी आपके पास बचा क्या, ये बच गया 90 माइनस बी बाई टू, ये बच रहा है देखो 90 डिग्री माइनस बी बाई टू। इधर है हमारा a प्लस सी बाई टू, इधर 90 माइनस बी बाई टू। ए प्लस सी में क्या लाना है 10, यानी दोनों साइड आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ओनली 10, तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, ये आएगा 10 ए प्लस सी बाई टू और इधर आएगा 10 90 माइनस बी बाई टू। और आपने पढ़ा है कि tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा होता है, तो यह क्या होगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा cot b बाई टू। देख लो तो tan a प्लस सी बाई टू का वैल्यू cot b बाई टू आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, sin 2 थीटा सिर्फ 4 थीटा के इक्वल दिया है और फाइंड करना है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखो 2 थीटा और 4 थीटा क्या है, एक्यूट एंगल्स है, आप लोग क्वेश्चन में लिखे हुए हैं। इसमें भी क्या करोगे, कॉम्प्लीमेंट्री का यूज करोगे, आप लिखो डायरेक्ट cos 2 थीटा के बदले में, और आपको भी मालूम है कि हमेशा दो में से एक ही को बदलना है, एक ही को चेंज करना है, इधर करेंगे इधर नहीं या इधर करेंगे तो इधर नहीं, तो cos 2 थीटा के बदले में आप क्या लिख सकते हो, या तो इसको आप वैसे ही लिखो cos 2 थीटा, और sin 4 थीटा के बदले में आप लिख सकते हो cos 90 माइनस 4 थीटा, हो सकता है ऐसा, इसको ऐसे ही छोड़ दिए और sin 4 थीटा को लिखे cos 90 माइनस 4 थीटा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू ही होता है हमारा sin थीटा। देखो cos और cos कट गया, क्या आया 2 थीटा का वैल्यू 90 माइनस 4 थीटा, मीन्स 2 थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल टू 90, मीन्स 6 थीटा 90 डिग्री, देयर फॉर थीटा इक्वल टू 90 बाई 6 कितना 15 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू आया 15 डिग्री आया। देख लीजिए सेम इसी तरह का यह क्वेश्चन है, इसको सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ भी है, आपके बुक के बगल में मार्क किया हुआ रहता है सीबीएसई 2008-19, इसका मतलब होता है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन को उस ईयर में पूछा गया है, तो उसको ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इसमें भी सिर्फ 2 थीटा cos a के -42 है और a का वैल्यू निकालना है, थीटा नहीं a है। देखो इसमें से भी a को बदलना है, जो आपको इजी लगे उसको आप चेंज करो, इसी को बदल दो, sec थीटा क्या होता है cos 90 माइनस थीटा, तो इस sec 2a है तो इसके बदले में आप लिख सकते हो cos 90 डिग्री माइनस 2a, हो सकता है ना, sec 2 थीटा तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या है हमारे पास है cos a माइनस 42, cos a माइनस 42 नीचे लिख देते हैं a माइनस 42 डिग्री। देखो cos दोनों साइड है, cos कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया आपका, देख लो 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 42 डिग्री, अब सोल्व कर लो माइनस 2a इधर से इधर आया तो माइनस a माइनस 42 डिग्री,
और ये भी जाएगा तो 90 माइनस होगा, देख लीजिए माइनस 3a इक्वल टू 132 आएगा, माइनस कैंसिल कर दो, a का वैल्यू 132 बाई 3, 3 4 20 ओके 112 और 3 4 जा यानी 44 डिग्री आ गया, हमारा एंगल ए 44 डिग्री आंसर। देख रहे हैं, तो ऐसा जो भी क्वेश्चन होगा आप उसको कॉम्प्लीमेंट्री का यूज करना, और जब भी कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे हम एक ही साइड करेंगे या तो लेफ्ट या राइट ताकि दोनों कैंसिल हो जाए। ए बी सी बी एस सी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बुक में आपके मार्क होगा। देखो यहाँ भी आपके cos 58 और cot और tan है, तो cot 58 और tan 32 है, इन दोनों में से एक को चेंज करोगे, इसको एज यूजुअल रहने दोगे, और किसको चेंज करोगे, यहाँ जब 58 है तो इस 58 को आप रहने दो, इसको बदल दो यानी 32 वाले को, क्या होगा उससे मेरा काल देखो, 2/3 cosec स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2/3 cot 58 को उसी तरह रहने दीजिए और tan 32 को आप चेंज कर दो, तो tan 90 डिग्री माइनस 32 लाने के लिए क्या माइनस करना होगा, 58 डिग्री हो गया, 90 माइनस 58 तो हमारा 32 आ जाएगा। फिर आगे लिखो, आगे है माइनस 5/3, और देखो 13 डिग्री किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, 77 का, और 37 है 53 का, तो इन दोनों को बदलेंगे और बाकी सबको छोड़ देंगे और 45 का क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे। बड़े आराम से देखो आप tan 13 को tan 90 डिग्री माइनस दिया रहता है उसका कितना करोगे, 77 डिग्री, पहला लिखा इनटू, इनटू है कोई साइन नहीं, डॉट दे सकते हैं बहुत से बहुत, tan 37 को tan 90 डिग्री, 37 के लिए क्या करोगे माइनस, 53 डिग्री हो गया, इन दोनों को लिख दिए। अब इसको लिखो तीनों को, आगे है tan 45, tan 53 और tan 77 हो गया, ये हमारा है, और सारे को सोल्व करके लगा माइनस 1, दिस इज आवर वैल्यू ऑफ व्हाट, LHS, ये LHS का वैल्यू है। अब देखिए 2/3 cos स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2/3, यहाँ देखो cot 58 होगा और tan 90 माइनस 58 ये भी cot 58 होगा, तो आप इसके जगह पर लिख सकते हो cot स्क्वायर 58 डिग्री, समझ रहे हो, cot 58 है ही और tan 90 माइनस 58 ये भी cot 58 आएगा, इस पूरे का वैल्यू cot इंटू cot, cot स्क्वायर और थीटा सेम होना चाहिए, माइनस 5/3 और देखो tan 90 माइनस थीटा का क्या लिख दें, cot थीटा, ये हो जाएगा cot 77, फिर ये आ जाएगा इनटू cot 90 माइनस थीटा, cot थीटा तो cot 53, आगे लिख दीजिए tan 45 इनटू tan 53 और tan 77। अब इन दोनों में आप 2/3 कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, ये बचेगा cos स्क्वायर 58 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 58 डिग्री, ये हो गया, और 5/3 इन सब का वैल्यू डाल दो, एक साथ लिख दो सभी को, cot 77 के साथ लिख दो tan 77, फिर cot 53 के साथ लिख दीजिए tan 53 और
इस 22 आप को अलग छाप दीजिए, tan 45 डिग्री। अब इसके बदले लिखो, देखो आंसर आ गया हमारा 2/3 cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो इसके बगल में लिखेंगे इंटू 1 माइनस 5/3। आगे देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा इसका भी वैल्यू 1, फिर tan थीटा इंटू cot थीटा इसका भी वैल्यू 1 और tan 45 को 1 होता ही है। आप इसके बगल में लिख देना, देखो सारे का वैल्यू 5/3 हो गया इंटू इसका 1 इंटू उसके बगल वाला 1 और tan 45 भी 1। आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिए, क्या पहला लिख देना पड़ेगा आपको सिंस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 और दूसरा हमने यूज किया है टेन थीटा इंटू इंटू डॉट या कुछ नहीं कॉट थीटा का 1, दो हमने खास वैल्यू यूज किए। इसको लिख दो, ये कितना आ गया 2/3 माइनस 5/3। अब देखो एकदम स्ट्रेट हो गया, 3 का एलसीएम 3 आ गया, 2 माइनस 5 हो जाएगा, 2 माइनस 5 तो माइनस 3 अपॉन 3 कट गया 1 टाइम, क्या आ गया माइनस 1 इक्वल टू व्हाट आरएचएस प्रूफ्ड। आई होप सब बात आपको समझ में आई होगी। इस तरह से आप पूरा प्रैक्टिस करेंगे और हम लोग अपने इस एक्सरसाइज का लगभग पूरा पढ़ लिया और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास आइडेंटिटी में। थैंक यू।